और भाई, तो यह है वीवो का Vivo Y17s। ये आपको पाकिस्तानी मार्केट में तकरीबन 32 या 31 के आसपास, यानी कि 32,000 के आसपास इनको मिल जाता है। तो इस प्राइस रेंज के अंदर आप लोगों को इसके अंदर कैमरास कैसे देखने को मिलते हैं उनका मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। मैंने इससे काफ़ी ज़्यादा पिक्चर्स वगैरह वीडियोस वगैरह क्लिक की हैं। इसके अलावा इसकी बिल्ड परफॉर्मेंस और जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले तो बात करें इसकी बिल्ड की, तो बिल्ड देखें, प्लास्टिक बिल्ड है, नो डाउट प्रीमियम फील होती है इस प्राइस रेंज को अगर हम देखें। और वीवो के फ़ोन्स मेनली डिज़ाइन और कैमराज की वजह से ये लोग बाय करते हैं और इनकी यही हाईलाइट्स ही होती हैं। तो नो डाउट डिज़ाइन इसका काफ़ी अच्छा है, ट्रेंडी डिज़ाइन है, बॉक्सी डिज़ाइन है। जहाँ तक बात है इसके पोर्ट्स एंड बटन की, तो बॉटम साइड में आपको तमाम ही वो पोर्ट्स देखने को मिल जाएंगे जो आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो। टाइप सी भी ऑफकोर्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। बाकी अगर आप लोग इस साइड की बात करो तो वही जो बटन्स होते हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। बट यहाँ पर एक अच्छी चीज़ यह है कि इसके अंदर फिंगरप्रिंट आपको देखने को मिल जाता है, जो कि साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट है। बाकी टॉप में आप लोगों को सिम सॉकेट देखने को मिल जाएगा। इसके अंदर आप लोग दो सिम और एक एसडी कार्ड एट अ टाइम यूज़ कर सकते हो, जो कि इस प्राइस रेंज में नॉर्मल है। बाकी अगर हम चलते हैं इसके डिस्प्ले की जानिए, डिस्प्ले की बात करो तो ये आपको 6.5 इंच की IPS पैनल देखने को मिल जाएगा ड्यू ड्रॉप नॉच के अंदर। हाँ, कंपटीटर्स इस रेंज में नो डाउट पंच होल, यानी कि सेंटर पंच होल कैमरा इंट्रोड्यूस करवा चुके हैं डिज़ाइन, बट इसके अंदर आप लोगों को ड्यू ड्रॉप ही देखने को मिलेगी। बट अच्छी बात यह कि इसकी ब्राइट काफ़ी ज़्यादा है, यह मैंने नोटिस किया है। ब्राइटनेस इसकी आप लोगों को जो नीड्स हैं वो काफ़ी, यानी कि ज़्यादा देखने को मिलते हैं अगर हम इस प्राइस के रेंज के अंदर जितनी भी डिवाइसेज आती हैं उनके साथ कंपेयर करते हैं। तो बाकी रेजोल्यूशन 720p ऑफ कॉस्ट, और बस यही था डिस्प्ले के मामले में। बाकी डिस्प्ले ब्राइट ज़रूर है, कलर्स वगैरह भी काफ़ी अच्छे हैं, शार्प तो इतनी नहीं है, बट फिर भी डिस्प्ले वाइज आप लोगों को इससे कोई भी परेशानी नहीं होने वाली। ओके, तो वीवो के मोबाइल्स अगर आप लोग परचेज़ करते हो तो इसका एक तो डिज़ाइन होता है, दूसरा होता है कैमरा। तो कैमरास की सिचुएशन कुछ ऐसे है, बैक में दो कैमराज देखने को मिलेंगे, एक है 50 मेगापिक्सल का और दूसरा है बोके लेंस। उसके साथ वैलिडी फ्लैश भी देखने को मिलेगी। ऑफ कोर्स फ्रंट पे 8 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर देखने को मिल जाएगा। जहाँ तक बात है इन कैमराज के, यानी कि जिसके अंदर आप लोगों को कैमरा एप्लीकेशन देखने को मिलती है, उसके कुछ फीचर्स की, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग इस चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं कि कौन कौन से फीचर्स हमें दिए गए हैं, और बड़े बड़े जो भी क्रिएटर्स हैं वो इस चीज़ के बारे में बताते नहीं। तो चलो मैं इसका आप लोगों को जो UI है, कैमरा UI, वो भी आपके साथ आपको मतलब दिखा देता हूँ कि कैसा है, और आप लोगों को फीचर्स के बारे में भी पता चल जाएगा। ये रहा इसका इंटरफेस। नो डाउट इंटरफेस काफ़ी प्रीमियम किस्म का है। बाकी HDR, स्लो मोशन, स्टेबलाइजेशन का भी यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अब ये स्टेबलाइजेशन वाकई में वर्क करती है या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, अभी मैं इसको टेस्ट जब करने वाला हूँ तो तब मैं आपको बाद में बता दूंगा। बाकी ये रही इसकी सेटिंग्स वगैरह, वाटरमार्क वगैरह आप लोग ऑन कर सकते हो, ऑटो फोकस भी देखने को मिल जाएगा। हाँ, तो फीचर्स की बात करें तो स्लो मोशन इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, 50 मेगापिक्सल का हाई रेस कैमरा भी देखने को मिल जाएगा, नाइट मोड भी अवेलेबल है और प्रो मोड भी अवेलेबल है। बाकी जूम की जहाँ तक बात है तो 10x जूम आप लोग कर सकते हो। बाकी फिल्टर्स इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे, और जो 2 मेगापिक्सल का बोके कैमरा था ना, वो पोर्ट्रेट पर आप लोग जैसे स्विच करोगे वो यहाँ पर आप लोगों को, यानी कि जो इफेक्ट्स वगैरह मिल जाते हैं वो बेसिकली यहाँ से आप लोग, ये देखो इसका जो फोकस है वो भी आप लोग सेट कर सकते हो, स्ट्रॉन्ग चाहिए, वीक चाहिए, ब्लर जो इंटेंसिटी है वो कैसी चाहिए। बाकी कुछ फिल्टर्स वगैरह भी, मतलब स्पेशल इफेक्ट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें देखने को मिल ही जाएंगी, जो कि हर बंदा चाहता भी है और ये वाकई में यूज़फुल भी हैं। चलिए, अब ये तो था इसका इंटरफेस, अब बढ़ते हैं मेन चीज़ कि इसके रिजल्ट्स या इसकी आउटपुट कैसी है। सबसे पहले शुरू करते हैं स्लो मोशन से। 720p के अंदर आप लोग स्लो मोशन रिकॉर्ड कर सकते हो, जिसकी क्वालिटी नो डाउट काफ़ी अच्छी लगी मुझे। इसके अंदर जो कलर्स हैं वो काफ़ी पॉप्ड आउट हैं, सैचुरेटेड है वीडियो, तो काफ़ी सारे लोगों को यही पसंद आती है, मुझे तो पर्सनली यही पसंद आती है। बाकी ओवरऑल वीडियो की अगर आप लोग बात करोगे तो HDR जो है वो सेट होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लेता है, जिनके एक्सपोजर को सेट करने में। बाकी जो स्टेबलाइजेशन की मतलब फीचर था, तो उसका यूज़ मुझे कहीं पे भी देखने को नहीं मिला, और आप लोग देख सकते हो स्टेबलाइजेशन मतलब इस लिहाज से जिस प्राइस है तो उस लिहाज से नॉर्मल ही है बाकी मोबाइल के अंदर, जैसे आपको देखने को मिलती है। बाकी यहाँ वीडियो थोड़ी सी सैचुरेटेड ज़रूर है, इसी वजह से मुझे पसंद ज़रूर आ रही, क्योंकि मुझे जो ऑनेस्टली स्पीकिंग के मुझे जो सैचुरेटेड फोटोज़ होती हैं या वीडियोज़ होती हैं वो पसंद आती हैं, और ये आप लोगों के सामने है। बाकी एक चीज़, इसके अंदर आप लोग जूम करोगे ना वीडियो के अंदर तो काफ़ी स्मूथली जूम होता है, ये नहीं कि जिटर्स आ जाते हैं या वो सारा कुछ, ऐसा कोई भी सीन नहीं है। स्मूथली आप लोग जूम इन जूम आउट कर सकते हो, 10x का फैसिलिटी, यानी कि 10x की फैसिलिटी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो ये तो थी इसका वीडियो, वीडियो की सिचुएशन। अब बात करते हैं फोटोज़ की, तो यहाँ पर आप लोग फोटोज़ देख सकते हो, पोर्ट्रेट्स के अंदर काफ़ी अच्छी और काफ़ी प्यारी फोटोज़ आती हैं। फोटोज़ के अंदर डायनामिक रेंज जो है उसकी थोड़ी सी कमी लगी है, बाकी HDR काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। ये रहा इसका 50 मेगापिक्सल का जो मोड दिया गया है, उससे फोटो ली गई, काफ़ी डिटेल्स अच्छी हैं।
नाइट अगर मैं इसकी बात करूँ फोटोज़ की, तो भाई बहुत ही कमाल के नाइट मोड अगर आप लोग यूज़ करोगे तो कुछ ऐसी क्वालिटी आपको देखने को मिलेगी। और मुझे नाइट की फ़ोटोज़ हैं वो काफ़ी अच्छी लगी हैं, पर्टिकुलरली जिनकी जी जो प्राइस है। इसी तरह से फ्रंट कैमरा की मैं बात करूँ, हालांकि 8 मेगापिक्सल है फिर भी काफ़ी अच्छी यहाँ पर आप लोग देख सकते हो फोटो आई है, ये हालांकि नाइट की है। बाकी डे लाइट की बात करूँ तो डे लाइट के अंदर भी वही सीन है कि आप लोगों को थोड़ी सी सैचुरेटेड फोटो ज़रूर देखने को मिलेंगी, पोर्ट्रेट काफ़ी अच्छे से आप लोग निकाल सकते हो इनडोर लाइटनिंग की सिचुएशन में। हाँ यहाँ पर ये जो है ना कैमरा इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता, बाकी आउटडोर लाइटिंग अच्छी लाइटिंग होगी तो आप लोग अच्छी फोटोज़ निकाल सकते हो। ये तो था इसका फोटोज़ का सिनेरियो और वीडियो का सिनेरियो। बाकी इसके अंदर अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें, ओएस की बात करें, तो एंड्रॉयड 13 देखने को मिलेगा वन टच ओएस 13 के साथ, और एंड्रॉयड 13 के तमाम ही फीचर आप लोग एक्सेस कर सकते हो। वन टच ओएस 13 की मैं बात करूँ, ब्लोटवेयर की मैं बात करूँ, ब्लोटवेयर भाई इसके अंदर आप लोगों को इतने देखने को नहीं मिलते। बाकी यहाँ पर आपको एक्सटेंडेड रैम का फीचर देखने को मिल जाएगा, ये 4 GB रैम 128 GB के अंदर आप लोगों को मिलता है। इसकी जहाँ तक प्रोसेसर की बात है, परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूँ, तो उससे पहले मैं इसके कुछ फीचर्स के बारे में आपको बताना चाहूँगा। स्टेटस बार में जाकर आप लोग डिस्प्ले, नेटवर्क टाइप, स्पीड, ये सब चीज़ इनेबल कर सकते हो। नया फीचर यहाँ पर स्मार्ट स्विच का दिया गया है, वैसे तो ये 60 Hz की डिस्प्ले है, बट ये स्मार्ट स्विच लगाने के बाद ये बेसिकली 1 to 60 Hz स्विच करेगा, जैसे कि इनको फीचर दिया गया है। बाकी इसके अंदर जो एंड्रॉयड 13 के कस्टमाइजेशन फीचर्स होते हैं वो आपको मैं दिखा देता हूँ। ये स्पेशल फीचर्स दिखाने का मकसद इसलिए होता है ताकि जो भी लोग इसको परचेज़ करना चाहते हैं सॉफ्टवेयर वाइज मोबाइल इसके अंदर क्या क्या फीचर देखने को मिलते हैं, काफ़ी सारे लोग इंटरेस्टेड होते हैं देखने में, तो बस इसलिए दिखा रहा हूँ। बाकी यहाँ पर डायनामिक इफेक्ट्स के अंदर आप लोगों को ये डायनामिक इफेक्ट जो वीवो के अंदर आपको देखने को मिलते हैं वो तो ऑफकोर्स हैं ही, और इनको मैं खुद भी यूज़ करता हूँ क्योंकि मैं खुद भी वीवो का मोबाइल इस्तेमाल करता हूँ। सो यस, उसके बाद बैटरी डिपार्टमेंट आपको बैटरी ऑप्टिमाइज़ करने के लिए नया फीचर देखने को मिल जाएगा, बाकी बैटरी सेवा ये सारी चीज़ ऑफकोर्स ऑब्वियस सी बात है भाई। इसके अंदर एक्सटेंडेड रैम भी देखने को मिलेगी और फिंगरप्रिंट, फेस आईडी, ये दोनों ही फीचर अवेलेबल हैं। इसके अंदर आप लोग OTG यूज़ कर सकते हो, अल्ट्रा गेम मोड भी है, फेस ब्यूटी फॉर वीडियो कॉल, वीडियो कॉल पे फेस ब्यूटी, वो भी फीचर देखने को मिलेगा। सिस्टम में जाते हो तो ये कुछ ऐसा सीन है। बाकी ये था इसका सिनेरियो, ये रहा इसका। आप लोग इसके अंदर ड्रॉअर इनेबल कर सकती हो, ये स्टैंडर्ड होता है ये भी इनेबल कर सकती हो, ये इसके कुछ सीन ऐसा। बाकी इसके अंदर विजिट्स की मैं बात करूँ तो विजिट्स ऑफकोर्स फंटच स्टार्टिंग वाले सारे ही अवेलेबल कराए गए हैं। होम स्क्रीन सेटिंग में बात करूँ, स्लाइडिंग इफेक्ट्स देखने को मिल जाएंगे जो आपको पसंद आता है आप लोग। हाँ ये तभी आएगा जब आप लोग इसको मतलब इस तरह से यूज़ करोगे, बाकी ये सारे फीचर्स अवेलेबल ही हैं। और बस अब फीचर्स को ख़त्म करते हैं और मैं बात करता हूँ चिपसेट के बारे में, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। तो चिपसेट के अंदर आपको देखने को मिलता है MediaTek का Helio G85, यहाँ पर डाउनग्रेड जरूर है। इस प्राइस रेंज के अंदर आपको G99 देखने को मिल जाता है, बाकी कंपनीज आपको प्रोवाइड कराती हैं, बट अगर आप लोग परफॉर्मेंस रिलेटेड मोबाइल देखना चाह रहे हो तो इसकी तरफ हर किस मत जाना, अभी से मैं मना कर देता हूँ। और वैसे आप लोगों को लुक्स के मामले में अगर देखना है या ओवरऑल आप लोगों को कैमराज अच्छे चाहिए इस प्राइस रेंज के अंदर, तो फिर आप लोग इसकी तरफ देख सकते हो। बाकी बैटरी डिपार्टमेंट की बात करूँ, 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, 15 W की फास्ट चार्जिंग भी अवेलेबल करवाई गई है। ये दोनों चीज़ें मुझे काफ़ी अच्छी लगी, बेस्ट है। एक दिन का बैटरी बैकअप मस्ट आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा ही मिलेगा, बैटरी से कोई इशू नहीं है। बाकी 15 W की फास्ट चार्जिंग भी अवेलेबल है। चिपसेट इसके अंदर नॉर्मल से देखने को मिलेगा, नॉर्मल टास्क करने हैं तो फिर आप लोग इसकी तरफ जा सकते हो। गेमिंग करनी है और वैसे इस पार्टिकुलर रेंज के अंदर आप लोग गेमिंग करना चाहते हो तो कोई भी बॉक्स पैक फ़ोन तो आपको देखने को मिलेगा ही नहीं जो अच्छा आपको मिले। बाकी कैमराज इसके काफ़ी अच्छे लगे मुझे, बैक कैमरा काफ़ी अच्छा है, फ्रंट कैमरा भी काफ़ी अच्छा है, स्पेशली लो लाइट या नाइट फोटोग्राफी वो काफ़ी अच्छी है, और डिस्प्ले काफ़ी अच्छी है, डिज़ाइन भी ट्रेंडिंग है। तो अब वर्डिक्ट में अगर आया हूँ तो ये देखें, कैमराज अच्छे चाहिए इस प्राइस रेंज के अंदर, वीवो का ही मोबाइल चाहिए, डिज़ाइन भी अच्छा हो तो देन आप लोग इसकी डेफिनेटली इसकी तरफ जा सकते हो। परफॉर्मेंस चाहिए या इससे रिलेटेड कुछ भी काम हो परफॉर्मेंस से रिलेटेड तो फिर इसकी तरफ हरगिज मत जाना, वरना फिर बाद में कहोगे कि यार ये गलती होगी मुझसे। बस ये थी आज की वीडियो में, वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। इस मोबाइल से रिलेटेड आपके क्या ओपिनियंस हैं ये मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।